हेलो एवरीवन, तो माय नेम इज़ रवि भट्ट और आप मुझे फिर से देख रहे हैं दून ट्यूटोरियल पे। तो आज आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आने वाला है। 13 तारीख को आपका साइंस का एग्ज़ाम है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे कर रहे होंगे। तो इन 3 दिनों में आप मेरे साथ बने रहिए। इन 3 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, जिन्होंने साल भर बहुत मेहनत की है उनको अब लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाए, मस्ती में रहे, मजाक में ले लिया, उनको क्या करना चाहिए, वो भी मेरे साथ बने रहिए। एक बात मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ पहले ही। देखिए, आपने साल भर कितनी भी मेहनत की हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आपने एग्ज़ाम के एंड में, एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम, अगर आपने अच्छा रिवीजन नहीं किया या एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की, तो उस पढ़ाई का, उस मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि आपको साइंस में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और जिससे कि आप अच्छे आपके नंबर आएँ। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को कवर करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएँ और जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। पहला चैप्टर आपके पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये पहला चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले डेफिनेशंस कुछ याद होनी चाहिए, जैसे कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, उसके बाद अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, इसके अलावा प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन क्या होती हैं, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे आप प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी रिएक्शन टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन इसमें हैं। और सबसे मेन बात, इसमें आपको विद एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल के साथ आपको याद करना। ठीक, इसके अलावा आपको रस्टिंग क्या होता है और प्रिवेंशन ऑफ रस्ट, रस्ट से कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, आयरन ऑब्जेक्ट को, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोरोजन क्या होता है, ये भी आप थोड़ा से समझ लीजिए। और कुछ केमिकल फॉर्मूले, जैसे कि मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, और स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, और एंसिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, एंसिडिटी क्या होता है, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका जो है, जब लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक उनको रखा जाता है तो कुछ टाइम बाद वो जो है उनका जो टेस्ट और स्मेल है वो चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को जब वो पॉइजन जहरीले हो जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप जो है कहते हैं क्या, रेंसिडिटी कहते हैं। दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो जो दूसरा चैप्टर है वो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, देखिए एसिड क्या होते हैं मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमारा मुद्दा है नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो ऐसे एसिड, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहा जाता है जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज करें, उन्हें आप एसिड्स कहते हैं। और अगर आप लिटमस पेपर में इसका इफेक्ट देखें तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें आप एसिड्स कहते हैं। अगर आप बेस की बात करें, बेसिस क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर जो है हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को आप बेसिस कहते हैं, बेस कहा जाता है। ये तो और एक सिंपल जो अभी तक आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, एसिड ऐसे होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं और बेस ऐसे होते हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं। लेकिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो हर एक चीज़, हर एक केमिकल को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जो बहुत ही खतरनाक और आपकी, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक, इसके अलावा इस चैप्टर में आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे ही आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें सॉल्ट और वाटर का हमेशा फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड्स की, वो आपको पता होनी चाहिए इसमें क्या होता है। इसके अलावा इसमें सोपेनिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, सोप किसे कहते हैं, और इस सब तमाम चीज़ें आपको इसको देखने को मिलेंगी। ठीक, अगर आप अगले चैप्टर की बात करें तो जो थर्ड चैप्टर आपके पास वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको मेटल्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, ऐसे वे सब्सटेंस जो
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन्हें आप मेटल्स कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं उन्हें आपको नॉन मेटल कहा जाता है। इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, जैसे कि जो मेटल होते हैं वो सोनरस होते हैं, मतलब उनका स्पेसिफिक साउंड होता है, और मेटल्स का जो है मेटल्स हार्ड होते हैं एक मेटल को छोड़ के, जैसे मरकरी हार्ड नहीं होता, सोडियम भी हार्ड नहीं होता। इसके अलावा मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसके अलावा मेटल डक्टाइल होते हैं और मिलाइबिलिटी होती है मेटल्स में। मिलाइबिलिटी क्या होती है, देखिए मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स को थिन सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है उन्हें मिलाइबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि गोल्ड फॉइल, जब आप कुछ टिफ़िन आप स्कूल में ले जाते हैं तो आपने देखा होगा आपकी मदर जो है, मम्मी जो है, उस रोटी को एक गोल्ड फॉइल में, एक सिल्वर फॉइल में पैक करती है। तो वो सिल्वर जो है मेटल से होता है, वो एक सिर्फ जो है उसको पत्ती जो है सीट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स ठीक इसका उल्टा होता है, नॉन मेटल्स जो ब्रिटल होते हैं, कंडक्ट इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के। इसके अलावा सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, उन्हें आसानी से आप तोड़ सकते हैं। एक एग्जांपल है कि एक ऐसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो ब्रोमीन एक ऐसा जो है वो है नॉन मेटल है जो उसमें लिक्विड है। इसके अलावा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि मेटल्स जो है क्या रिएक्शन करता है एसिड के साथ, क्या रिएक्शन करता है बेस के साथ, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो है आपको इसमें कुछ प्रोसेस पता होने चाहिए, कोरिजन क्या होता है और फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो आयंस को रिलीज़ करते हैं उन्हें आप आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं। इसका नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का है लाइफ प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बड़ा चैप्टर है और इससे काफ़ी कुछ भी पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें आपको समझना होगा लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं, फर्मेंटेशन है, बाइनरी फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन है और बडिंग है, तमाम तरह के आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन मिलेगी, रेस्पिरेशन क्या होता है वो मिलेगी, तमाम तरह के इसमें आपको मिलेंगे, तो इसमें आप देखेंगे। इसके बाद आपको फिजिक्स में आता हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या आना चाहिए वो मेन मुद्दा है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, 1 एम्पियर किसे कहते हैं वो आना चाहिए, उनकी ऐसा यूनिट्स आनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की ऐसा यूनिट आपको पता होती है एम्पियर होती है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है, तो तमाम तरह की है। इसके अलावा ओम्स लॉ आपको आना चाहिए, ओम्स लॉ क्या होता है, हिट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, वोल्ट मीटर का क्या यूज़ है, एमीटर का क्या यूज़ है, और इनकी जो यूनिट्स हैं वो आपको आनी चाहिए, और रेजिस्टेंस किसी भी वायर का किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको अगर आएंगे तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अगला बढ़ते हैं फिजिक्स में, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आना चाहिए, राइट हैंड रूल आना चाहिए। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्या हो, सोलेनोइड क्या होता है वो आपको आना चाहिए, सोलेनोइड में आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या डिफरेंस है वो आप आए वो आपको जो है बेहतर तरीके से आना चाहिए इसमें। फिर इसके अलावा आपको जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं वो भी आपको आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको अगर आएंगे तो आपको फ़ायदा जो है इसमें होगा।